आज विजयनगर थाना पुलिस ने एक धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने शहर के कई लोगों को लोभ लुभाने वादे व बड़ी बड़ी बातें करते हुए अपने झांसे में लेते हुए लाखों रुपए की चपत लोगों को लगाई है, जिसके चलते आज पुलिस ने आरोपी राजेश पाठक को गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी देते हुए अजय सिंह सिकरवार ने बताया कि आटे का व्यापार करने वाले व्यापारी ने शिकायत दी थी कि उससे राजेश पाठक नाम के व्यक्ति ने करीब 1,30,000 का माल लिया था और उसे चेक दे दिया था, जिसके बाद चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद उक्त मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने जांच करने में पाया कि उक्त आरोपी राजेश पाठक ने शहर के कई लोगों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की है, जिसके चलते आरोपी को हिरासत में लेते हुए पुलिस पूछताछ में जुट गई है। सचिन किराना का संचालक मेरे पास आए, इन्होंने मुझे से बताया कि मैं राजेश कैटर्स हूँ, मेरा ये काम चलता, मैं इसका ठेकेदार हूँ, मेरे को आटे की ज़रूरत है। इन्होंने मेरे से 200 बोरी आटा लिया और एडवांस चेक दिया मेरे को कि आपको 10 दिन बाद ही चेक कैश हो जाएगा। मैं इनके विश्वास में मैंने काम किया, उस दिन से मैं इनको ढूंढ रहा हूँ। इनका समय होने के बाद ये मेरे को आज तक नहीं मिले, आज पता चला कि विजयनगर थाने में बनने, तो मैं लेके आया हूँ अपनी शिकायत। लगभग कितने रुपए का सामान आपसे लिया होगा? मेरे से 1,32,000 रुपए करीब का है। एक आवेदन दिया था, अनुराग शुक्ला है, एंजिल ट्रेडर्स वाले जी, उनका आटे का व्यापार है। उन्होंने एक आवेदन दिया था कि इनसे कुछ 200 कट्टे करीबन आटे के, एक राजेश पाठक नाम के व्यक्ति ने 1,25,000 रुपये करीबन का माल लिया, आटे के कट्टे लिए हैं और उसको चेक दिया गया, लेकिन चेक जो है लगाया नहीं है, बाउंस हो गया है। और ऐसा इन्होंने बताया कि ऐसा शहर में कई अन्य लोगों के साथ किया है, तो उसकी जांच की गई, हमने जांच की, आवेदन पत्र की जांच पर ऐसे हमें ये पाया कि राजेश पाठक जो है ऐसा शहर में बहुत सारे लोगों के साथ किया है उसने, तो उस पर से अपराध कायम कर 420 का फ्रॉड किया उन्होंने, जो सब लोगों के साथ 420 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राजेश पाठक को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके साथ में कोई संजय नेमा भी है, जिसको ये माल लेने के बाद, सामान लेने के बाद उस संजय नेमा को दे देता था, वो जाके विक्रय करता था उस चीज़ का, और ये बाद में इससे आपस में मर जाते थे। इनका जो राजेश पाठक का मेन काम करने का तरीका जो था, ये व्यापारियों के पास जाता, उन्हें कैटरिंग, इसका चूंकि कैटरिंग का काम है तो आसानी से माल व्यापारी इसको उपलब्ध करा देते थे जी। तो कैटरिंग के काम से नाम से लेके ये अपने अकाउंट का चेक, बैंक का चेक उनको प्रोवाइड करा देता था, जितने अमाउंट का माल लिया उतना अमाउंट का चेक प्रोवाइड करा दिया नेक्स्ट डेट का, और वो चेक कभी कैश हो नहीं पाया। और ऐसा इन्होंने चेक के माध्यम से कई सारे लोगों के साथ किया।